मॉर्निंग। आशा करता हूँ आपके साथ जो भी मैं इन्फॉर्मेशन स्टोरी शेयर कर रहा हूँ आपको पसंद आ रही हैं। कोई भी कमेंट फीडबैक आप मुझे देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ने के लिए हमेशा आतुर रहता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। कोई भी स्टोरी यदि आपको पसंद आती हो और वो मुझे आप बताना चाहें कि मैं लोगों से शेयर करूँ तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। तो आज भी मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूँगा जो हमारे विश्वास यानी जो हम भगवान पर विश्वास करते हैं उस पर आधारित है। तो स्टोरी शुरू करता हूँ। एक राजा हर रोज एक मंदिर में जाता था। उस मंदिर के दाईं और बाईं साइड दोनों तरफ एक एक साधु बैठा करते थे। तो जो दाईं तरफ का साधु था वो हमेशा जब भी राजा वहाँ पहुँचता तो उनसे कुछ मांगा करता था कि हे राजा साहब मुझे कुछ दे दीजिए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता सकूं। और जो दूसरी तरफ का भिखारी भिखारी नहीं जो साधु महात्मा थे वो राजा से कुछ नहीं मांगते थे। वो हमेशा भगवान से मांगा करते थे हे भगवान आप मेरी लाइफ को अच्छा कीजिए। तो इसी तरह ये सिलसिला चलता जा रहा था। वो राजा हर रोज वहाँ मंदिर में जाता था। हर रोज जो बाईं तरफ का जो साधु था वो राजा से कुछ मांगता था और जो दाईं तरफ का साधु था वो भगवान से कुछ मांगता था। तो राजा को इससे अपने ऊपर एक घमंड हो गया था कि ये जो साधु है ये मुझसे कुछ मांगता है और ये भगवान से कुछ मांगता है तो भगवान तो आकर इसको कुछ दे नहीं सकते लेकिन मैं अपने आप को बड़ा कर सकता हूँ। तो अगले ही दिन वो अपने मंत्री को आदेश देते हैं कि जो बाईं तरफ के साधु हैं उनको एक बड़े पतीले में खीर बनाकर दी जाए और उस खीर के पतीले में 50 सोने की अशर्फियाँ डाल दी जाएं और जो साधु मुझसे वो मांगता है उस साधु को वो पतीला दे दिया जाए। तो जो बाईं तरफ का जो साधु था वो जो राजा से कुछ मांगता था वो हमेशा दाईं तरफ के साधु से कहता था क्या तू भगवान से कुछ मांगता रहता है भगवान क्या तुझे आकर देंगे। ये राजा से मांगा कर क्योंकि राजा तुम्हें कुछ दे सकता है क्योंकि राजा हमेशा हमें दर्शन देते हैं। लेकिन वो दाईं तरफ के साधु हमेशा कहते थे कि नहीं मैं राजा से कुछ नहीं मांगूंगा मैं उस परमात्मा से मांगूंगा जो उस राजा का भी राजा है। तो वो हमेशा अपनी बात पर अड़े रहते थे। तो वो दिन भी आ गया जिस दिन वो खीर का पतीला जिसके अंदर 50 अशर्फियां डाली गई थी वो बाईं तरफ के साधु को दे दिया गया। उस बाईं तरफ के साधु ने वो खीर का पतीला लिया राजा का धन्यवाद दिया और दाईं तरफ के साधु को बोला कि देखा मैं राजा से मांगा करता था तो राजा ने मुझे ये पतीला खीर का भिजवाया है तो तू भी राजा से मांग भगवान से कुछ मत मांग। लेकिन वो दाईं तरफ के साधु का अटूट विश्वास था भगवान पर। उन्होंने कहा नहीं मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है वो मुझे और मेरी सारी ज़रूरतों को ज़रूर पूरा करेंगे। तो वो बाईं साधु के हाथ में जब वो खीर का पतीला आया तो उसने उसमें से वो खीर पीनी शुरू करी। तो वो खीर का पतीला इतना बड़ा था कि खीर पीते 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 वो साधु थक गए और उन्होंने कहा कि अब ये जो खीर बच गई है उन्हें ये नहीं पता था कि उस खीर के पतीले में नीचे 50 सोने की अशर्फियां हैं। तो वो थक गए जब पीते पीते उन्होंने कहा अभी इस बची हुई खीर का मैं क्या करूं। तो उन्होंने उस दाईं तरफ के साधु को कहा कि मैंने तो खीर ले खा ली है अब ये जो बची हुई खीर है इसका मैं क्या करूं ये खराब हो जाएगी ये लो तुम इस खीर को खा लो। तो उस दाईं तरफ के साधु ने वो खीर का पतीला लिया और वो खीर जो नीचे की बची थी वो खाई और जैसे ही वो खीर ख़त्म हुई तो उसे नीचे क्या दिखता है उन्हें वो नीचे दिखता है कि 50 सोने की अशर्फियाँ रखी हुई हैं। तो उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया कि हे भगवान आपने मेरी सुन ली मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी और आपने मुझे ये दे दिया। तो अगले दिन से वो जो दाईं तरफ के साधु थे वो उस मंदिर के बाहर दिखना बंद हो गए लेकिन जो बाईं तरफ के साधु थे वो अभी भी वहीं बैठे हुए थे। अगले दिन राजा साहब फिर वहाँ आए मंदिर में दर्शन करने और उन्होंने देखा उन्होंने सोचा था कि अब बाईं तरफ के जो साधु हैं जिन्होंने जिन्हें मैंने वो पतीला भिजवाया है आज वो मुझे दिखाई नहीं देंगे। लेकिन हुआ उल्टा जो भगवान को माना करते थे वो साधु आज वहाँ से गायब थे लेकिन जो राजा को मानते थे वो साधु आज भी वहाँ मौजूद थे। तो राजा ने तुरंत वो बाईं वाले साधु से पूछा कि महात्मा आप यहाँ क्या कर रहे हैं क्या आपको खीर का पतीला नहीं मिला। तो बाईं तरफ के साधु ने पूरी कहानी राजा साहब को सुना दी कि ऐसे ऐसे खीर का पतीला तो आपका मिला था और मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ खीर बहुत स्वादिष्ट थी मैंने वो खीर पी लेकिन मेरा पेट भर गया था इसलिए मैंने वो बचे हुए खीर का पतीला दाईं तरफ के साधु को दे दिया था और उसको भी तृप्त करा दिया था तो वो भी आपका धन्यवाद करेगा।
तो राजा एकदम ये सुनकर अचंभित हो गया और भगवान के पैरों में लेट गया और उनसे क्षमा मांगी कि हे भगवान, अब मैं समझ गया हूँ कि आप परम पिता हैं और जिसे आप जो देना चाहते हैं वो आप ही दे सकते हैं, मैं कुछ नहीं दे सकता। मुझे समझ आ गया है कि मैंने वो खीर का पतीला जो बाईं तरफ के साधु को भिजवाया था, लेकिन तब भी वो साधु उस सोने की अशर्फों को नहीं पा पाया और जो साधु आपको याद करता था वो सोने की अशर्फियाँ आपने मेरे द्वारा उस साधु को दिलवा दी, तो मुझे माफ़ कीजिए और आज से मैं आपको रोज़ नमन करता हूँ। तो बाईं तरफ का जो साधु था वो रोज़ वहीं बैठा रहा और दाईं तरफ का साधु मालामाल हो चुका था क्योंकि वो भगवान में विश्वास करता था, किसी इंसान में नहीं। तो इस स्टोरी का पर्पज़ ये है कि हमेशा भगवान में भरोसा रखें, वो जो भी आपकी लाइफ में करते हैं वो आपके अच्छे के लिए करते हैं। हो सकता है कि आप आज ऑफिस जा रहे हो तो आपकी बाइक में पंचर हो जाए या आपका पर्स चोरी हो जाए या आप किसी अपनी फ्लाइट को मिस कर दें तो हम तुरंत भगवान को दोष देने लग जाते हैं, लेकिन इसमें भगवान आपका भला ही चाहता है, इसलिए कभी भी भगवान को दोष ना दें। जो भी भगवान करते हैं वो हमेशा आपके अच्छे के लिए करते हैं। तो ये स्टोरी में यहीं एंड करूँगा। आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, इसे और भी लोगों से शेयर करें ताकि हम किसी के जीवन में भगवान नाम का एक रोशन का दिया जला सकें और जिसमें भगवान में विश्वास होगा उसकी लाइफ में हमेशा अच्छा ही होगा। भगवान से या हमारा मतलब सभी धर्मों के भगवानों से है, चाहे वो वाहेगुरु जी हों, चाहे वो क्रिश्चियन हों, चाहे वो मुस्लिम हो, कोई भी हो, जो भी किसी भी भगवान ईश्वर अल्लाह को मानते हैं वो ज़रूर उनमें विश्वास करें और जो भी वो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। थैंक यू सो मच।